सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा, आज हम बनाएंगे डोरमेट। ये डोरमेट बनाना बहुत ही इजी है, ये वॉशेबल है। इसको बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, लेगिंग चाहिए। कोई भी पुरानी साड़ी ले सकते हैं, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, किसी से भी आप इसको बना सकते हैं। एक हमारे को कार्डबोर्ड चाहिए पैटर्न के लिए। डोरमेट बनाने के लिए हमारे को कार्डबोर्ड चाहिए, जिसके ऊपर मैंने साइज़ पहले से लिख दिया है। 58 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 54 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ये वाला पैटर्न से मैंने मफलर बनाया। अगर आप मफलर बनाना सीखना चाहते हैं तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बिना सिलाई बिना बुनाई के आप इस मफलर को बना सकते हैं, ये देखिए। और एक न्यू आइडिया से बनाया है मैंने ये। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप ये बना सकते हैं। तो वही पैटर्न जो है मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ डोरमेट बनाने के लिए। इसकी कटिंग करने के लिए जो हमने गैप लिया, ये 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, और इसकी जो ये कट करेंगे ये हमने 1 इंच लिया है। ये यहाँ से हमने और कट करना है मफलर के लिए, ये मैंने कम लिया था, तो यहाँ से अब हमने 1-1 इंच पर जो है ये इस तरीके से कट और बढ़ाना है इसको कट। ये देखिए यहाँ तक कट था, अभी हमने 1-1 इंच पर करना है इसको। इस कट को मैं पूरा कर लेती हूँ 1-1 इंच पर ये कट और बढ़ाकर। ये देखिए कट के निशान हमने लगा दिए हैं सभी पर। ये साड़ी है, साड़ी को हमने कट करा हुआ है। अब ये देखिए इसको हमने इस तरीके से अंदर करेंगे, इस वाले कट में लेंगे ये ऐसे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इतना गैप रखेंगे। इतना गैप रखने के बाद अब ये हम इस साइड लेकर जाएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर वापस इसमें दूसरे वाले में लेकर आएंगे, ये वाले में इसको ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर वापस इधर, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे, और इसको यहाँ पर, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ये देखिए ऐसे। आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा, साड़ी का, या फिर आप ना इसमें दुपट्टा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लेगिंग लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेच होता है ऐसे करके, तो ये जो है ये ठीक नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई कपड़ा लगाएंगे तो साड़ी, दुपट्टा या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा जो है वो आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से खींचेंगे तो ये सही से नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसको ये वाला कपड़ा लगा रही हूँ, ये देखिए ऐसे। इसको ऐसे करते हुए इसे मैं पूरा करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्लिप चाहिए कुछ, कोई भी क्लिप आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में हो। ये देखिए इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, बीच बीच में जो है, जैसे ये देखिए यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से ये निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्लिप ऐसे करेंगे, इस पर ऐसे ही बीच बीच में हम यहाँ पर क्लिप लगा देंगे। क्लिप लगाने के बाद हम दूसरा कलर लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर गैप रखना है थोड़ा, ये ऐसे। यहाँ पर भी हम एक क्लिप लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसको ऐसे रखेंगे और इसके बीच में से निकालेंगे, यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेगिंग का कपड़ा नहीं लगाया था, क्योंकि तब हम इसको खींचते हैं ये स्ट्रेच होगा तो ये सही से नहीं बनेगा। ये कपड़ा देखिए स्ट्रेच बिल्कुल नहीं हो रहा, ये देखिए। तो ये कपड़ा जो है आप कॉटन का लेंगे, साड़ी का, दुपट्टा का, कोई भी ले सकते हैं आप। ऐसे इसको गोल करेंगे और इसी तरीके से ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए ऐसे,
ऐसे करते हुए इसे मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, सेकंड रो में मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सेकंड रो। सेकंड रो बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से ही लेंगे और यहाँ से लेंगे। ये देखिए यहाँ से पहले हम यहाँ से गोल घुमा रहे थे, अब इसको हम यहाँ से गोल घुमाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ऐसे करते हुए इसे हम पूरा करेंगे, अपने कलर को चेंज करते रहेंगे या फिर आप एक ही कलर से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स डोरमेट हमारा बनकर रेडी होने वाला है। जैसे हमारा स्ट्रिप है उसमें अगर हमें को जॉइंट लगाना है तो वो जॉइंट कैसे लगाना है, ये देखिए एक स्ट्रिप पर दूसरी स्ट्रिप रखेंगे और इसको हम कच्चा कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम कच्चा करेंगे और इसको फिर हम इसी तरीके से ऐसे कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन जो हमारी स्टिचिंग का है इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच हम और कर लगा देंगे। ये देखिए ऐसे कर कर और इस धागे को गोल घुमाएंगे, ये सारी स्टिच जो है हमारी अंदर की साइड आ गई। आप डबल स्टिच भी आप इसमें लगा सकते हैं। और अब इसे हम कट कर देंगे। अब सेम ऐसे ही करना है, ये देखिए इसको ऐसे लेंगे, और ये देखिए ऐसे इसमें ऐसे बनाएंगे इसको गोल, और इसके बीच में से लेना है हमने इसको। ये देखिए ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं इसको निकालना बताऊंगी कि आपने इसको फिनिश कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसे फिनिश कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको हम इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसको निकालेंगे। ये मैंने दो निकाले हैं, अब इसको इसके बीच में डालेंगे। ये देखिए ऐसे कर कर ये ऐसे हो गया। अब इसको पकड़ लेंगे और अब हम इसको निकालेंगे और इसके बीच में से इस ऐसे निकालेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर हम दूसरा लेंगे, इसको निकालेंगे और इसके बीच में से अंदर से लेंगे। ये ऐसे, ये देखिए फिर ऐसे लेंगे, इसको निकालेंगे और इसके बीच में से लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे लेना है, ये ऐसे। ये देखिए यहाँ से हमारी ये फिनिशिंग इस तरीके से आती जाएगी। फिर इसको लेंगे और इसको हम ऐसे कर कर लेंगे और इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे और इसको थोड़ा खींच देंगे इस तरीके से। फिर दूसरा लेंगे ऐसे ही, इसको हमने ऐसे ही लेना है, ये जो है इसको ऐसे लेना है। ये देखिए ऐसे, फिर इसको लेंगे यहाँ से ऐसे लेकर और इसको इस तरीके से ये ऐसे, फिर ऐसे ही लेंगे, इसमें लेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। वहाँ से भी हमने दोनों साइड से इसी तरीके से इस बनाना है। देखिए चेन स्टिच जैसे होता है वैसे ही हमारा ये फिनिशिंग आएगी इससे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था लास्ट में, अब इसको हम इसके बीच में इस तरीके से डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे कर। और यहाँ पर या तो आप एक नॉट लगा दें या फिर जो है आप इसे सुई धागे से सिल लें। ये देखिए इस तरीके से आप जो है नॉट लगा लेंगे और इसे टाइट कर दें, ये देखिए। और ये वाला पोर्शन जो बचा है इसी को भी ये देखिए ऐसे कर और इसे बीच में डाल दें, ये ऐसे। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसे बीच में कहीं पर भी लाकर आप इसे सिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया, ऐसे कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने ये स्टार्ट किया था ये धागा ये छोड़े थे हमने ऐसे ही, ये देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों को भी यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, डबल नॉट लगा दें इस पर, ये देखिए ऐसे। अब इसको भी इसके साथ साथ जो है ऐसे करेंगे, ऐसे ही हम दूसरे को निकालेंगे और इसके बीच में से ये ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसे। जैसा सेम हमने वहाँ किया था ये ऐसे, सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर करना है। और अब इस धागे इसको हम कट कर देंगे और सेम ऐसे ही करते हुए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डोरमेट बनकर हमारा रेडी हो गया। यहाँ से हमारी फिनिशिंग इस तरीके से आएगी। और ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से राइट साइड से हमने जो बनाया वो डिज़ाइन हमारा यहाँ से दिखाई देगा और बैक साइड से ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से। आप दोनों साइड से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वॉशेबल है और मार्केट जैसा ये डोरमेट बनता है फ्रेंड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।